आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार खबर है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, ये मणिपुर में आने वाला है। हम बात करेंगे इस खबर की। एक दो चीजें और आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली अगर रेलवे की बात करें, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो ये तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करती है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर रेल कनेक्टिविटी हो, ये चारों ही बढ़ रही है। ये तो बात है कि मैं इस सरकार को इस चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं। अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो 20 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, 13 नई लाइंस बिछाई जाएंगी, डबलिंग लाइंस होंगी। अभी कई जगह नॉर्थ ईस्ट में नैरो गेज चलता है, छोटी लाइन, उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा। लगभग 2500 किलोमीटर की लाइंस को डबल किया जाएगा। तो ये चीज है, आपको पता ही है कि अगर ब्रिजेस की बात करें तो बोगी बिल ब्रिज भैया, जो रेल कम रोड ब्रिज है, इसको 2019 में ओपन किया गया था। ट्रेन जर्नी है ना, अरुणाचल प्रदेश अब आसाम से कनेक्टेड है 180 किलोमीटर, तो वहीं पे ही पड़ता है ये बोगीबील ब्रिज, डिब्रूगढ़ टू रंगिया। तो ये डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस करेगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली रेलवे प्रोजेक्ट्स। भाई देखिए, मोदी सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की सारी कैपिटल्स जो है वो रेलवे से कनेक्टेड हो। आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल्स ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी हैं। ऐसे ही मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इनमें भी काम चल रहा है। तो भाई ये मणिपुर रेलवे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा भव्य रेलवे ब्रिज, ये है मणिपुर का रेलवे ब्रिज। तो ये 111 किलोमीटर जो जिरीभाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट है ना, उसी का ही पार्ट है। यहां पे ये रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत है भाई। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का मतलब है पहाड़ों से होती हुई, टनल से होती हुई, अरे सैनिक भाई। देखो मुझे फ्लाइट, अब तो क्या टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से मुझे जाना पड़ता है, और मुझे सबसे बेस्ट रेलवे की जर्नी लगती है। बस कार में मुझे मोशन सिकनेस, बहुत लंबी जर्नी में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। रेलवे इज बेस्ट। अगर आपको इंडिया को देखना है ना, तो रेलवे से ही जाओ, मजा ही आ जाती है। वो स्टेशन पे जाना, अनाउंस होना, अरे क्या जाओ, ऐसा ही है। तो 111 किलोमीटर को जो जिरीभाम इम्फाल रेलवे लाइन है, जो कि मणिपुर की कैपिटल को ब्रॉड गॉज नेटवर्क, मतलब जो इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, और अभी छोटी लाइन थी वहां पे, उसको ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बड़ी लाइन बना दी जाएगी, तो उसका कन्वर्जन चल रहा है। अब ये जो ब्रिज है, इसकी हाइट होगी 141 मीटर। आप इसमें देखिए, ये देखिए कितना बड़ा है, आपको यहां पे एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। ये इसकी जो पूरी की पूरी हाइट है ना, यहां से लेकर, ये 141 मीटर है। और ये अभी तक सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज है वो 139 मीटर का है। कहां पे? रिजे का वायाडक्ट मोंटीनिग्रो यूरोप में, यहां पे ही 139 मीटर का, 139 मीटर ऑफ माला। इसको ये पास कर देगा, सरपास कर देगा, 2 मीटर और लंबा है ये। अब जैसे ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, तो समझिए जिरीभाम इम्फाल, अभी आपको नेशनल हाईवे 37 से जाना पड़ता है, आप समझ रहे हो, नेशनल हाईवे 37 से आप जाइए, अगर जिरीभाम से आप इम्फाल जा रहे हैं तो अभी आपको लगभग 4-4.5 घंटे लगते हैं। क्यों पता है? क्यों नहीं, ज्यादा ही लगेंगे, 5-6 घंटे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर है। अगर आप रोड से जाएंगे तो डिस्टेंस आपकी 220 किलोमीटर है, लेकिन रेलवे से ऐसा होता नहीं है। रेलवे में ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि आप 2-2.5 घंटे में ही आप इसको कवर कर सकते हैं आराम से। ये चीज है। और उसके बाद फिर ये नूनी वैली पे बना है, इट विल बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पियर ब्रिज,
संदीप शर्मा ने बताया है. संदीप शर्मा इज ऑल्सो द चीफ इंजीनियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अब बात यही है कि ये कब कंप्लीट होगा. ये कंप्लीट होगा दिसंबर 2023 तक, यानी कि अगले के अगले साल तभी यह ब्रिज कंप्लीट होगा. 2024 से आपको यहां पे भी रेलवे लाइन मिल जाएगी. पहला फेज जो है इट विल एक्सटेंड 12 किलोमीटर तक. इसको ऑलरेडी कमीशन किया जा चुका है. 98% जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है सेकेंड फेज का. और फरवरी 2022 तक, यानी कि अगले 3 महीनों में सेकेंड फेज भी कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड फेज जो है कोंगसान से तुपुल, ये नवंबर 2022 तक, यानी कि नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा. और आखिरी फेज जो है वो दिसंबर 2023 तक तुपुल से इम्फाल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2023 तक कंप्लीट. देखिए, रेलवे ने, जब पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था रेलवे से कि भाई जमीन एक्वायर करो. और यहाँ पे जो ऑफिशियल थे रेलवे के, उन्होंने बोला कि देखो अब फंड्स की कोई कमी है नहीं, तो हम यहाँ पे रेलवे लाइंस बना सकते हैं. मेरे हिसाब से तो जैसे नैनीताल हो गया या मसूरी हो गया, उनको भी रेलवे, वहां पे भी रेलवे लाइंस बना देनी चाहिए. आप यकीन मानिए भारत रेवेन्यू से 4 गुना ज्यादा कमा लेगा. लेकिन हालांकि अभी मैं नैनीताल गया था, तो मैंने वहां से ड्राइवर से पूछा था क्या रेलवे लाइन क्यों नहीं बनाते हैं और टूरिस्ट आ जाएंगे. क्या लगा सर, इतने ही टूरिस्ट नहीं संभल रहे हैं. ये भी बात सही थी भाई, इतने ही टूरिस्ट नहीं संभल रहे हैं तो बाकी कहां से संभलेंगे. तो ऑफिशियल्स ने ही बोला है कि 111 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में पता है कितनी टनल्स होंगी. ओहो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द, जैसे जो हमारी माउंटेन रेलवेज हैं वो ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है. ठीक है, आपको पता है कितनी टनल्स पड़ेंगी? 61 टनल्स 61 सुरंगे, यानी कि पहाड़ को काटते हुए ये बनाया जाएगा. तो आप समझ ही सकते होंगे भाई, जन्नत देखने को आपको मिल जाएगी रेलवे में. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 374 करोड़. हर्डल्स हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है भाई. लैंडस्लाइड कई बार हो जाती है मानसून की वजह से NH-37 पे. अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई मणिपुर का एरिया ना, मेघालय. तो भाई मेघालय नाम ही है कि वो मेघों का देश, बादलों का देश. चेरापूंजी मासूरम आपको वहीं मिलेगा. मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. थैंक यू सो मच.